सो इंटरनेशनल क्रिकेट के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई बैट्समैन टाइम डॉट के अनुसार आउट हुआ है और ये रिकॉर्ड जाता है एंजेलो मैथ्यूज के नाम। तो बात करेंगे इस टाइम डॉट नियम के बारे में, टाइम डॉट नियम है क्या, कौन सही था कौन गलत था, कल एंजेलो मैथ्यूज को आउट मिलना चाहिए था नहीं मिलना चाहिए था, ये सभी चीज़ों पर बात करेंगे। और बात करेंगे कल के मैच, पूरे मैच के बारे में जो कि श्रीलंका वर्सेज बांग्लादेश का था। आज के मैच के बारे में बात करेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेज अफगानिस्तान का मैच है। और बात करेंगे हम लोग पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड जो नेक्स्ट मैच उनका होने वाला है। और बात करेंगे पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है और इसके काफ़ी रियलिस्टिक चांसेस है, ऐसा नहीं बहुत सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत है जो उनको हमेशा करना होता है। मुझे लगता है कि बहुत ही रियलिस्टिक चांस है, सच में देखा जाए तो बहुत ही रियलिस्टिक चांस है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कल के मैच के बारे में जो कि श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का था। और वैसे देखा जाए तो ये डेढ़ ओवर मैच था, लेकिन एक एंगल से देखोगे तो इतना भी डेढ़ ओवर नहीं था ये मैच। पहले बात करते हैं डेढ़ ओवर कैसे था। तो बांग्लादेश ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुकी है सेमीफाइनल में, वो नहीं जा सकती है इस वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में। और श्रीलंका मैथमेटिकली अभी थी, लॉजिकली वो नहीं थी, तो इस हिसाब से ये डेढ़ ओवर मैच था। लेकिन एक एंगल से देखो तो ये वर्ल्ड कप का जो टेबल है, लीग मैचेस के बाद जो टेबल होगा सेमीफाइनल और फाइनल को छोड़ दीजिए, तो जो टॉप 8 टीम रहेंगी वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी। टॉप 7 टीम और एक टीम, क्योंकि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का हॉस्ट नेशन है तो पाकिस्तान मतलब ऐसे ही क्वालिफाई है, टॉप 8 में नहीं भी रहेगा तब भी, तो टॉप 7। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान टॉप 8 के अंदर ही रहेगी, तो सीधा सीधा अगर समझना हो तो टॉप 8 टीम जो होंगी इस वर्ल्ड कप की और वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो श्रीलंका वर्सेज बांग्लादेश का मैच इतना भी डेढ़ ओवर नहीं था, मतलब एक बहुत ही क्योंकि इसके वर्ल्ड कप के ही क्वालिफाई करने के लिए जो लास्ट की दो टीमें वो क्वालिफाइंग मैचेस खेलती हैं, बहुत सारे मैचेस खेलने पड़ते हैं और यहाँ पे आप बस टॉप 8 में आ जाओ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर लोगे, तो इतना भी डेढ़ ओवर नहीं था। तो इस हिसाब से ये इतना भी डेढ़ ओवर नहीं था, लेकिन डेढ़ ओवर था, लेकिन इतना कौन सोचता है आगे का। और इस हिसाब से लोग इतने इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे इस मैच में, मैं भी नहीं ले रहा था ज़्यादा, लेकिन फिर ऐसा होता है कि एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद श्रीलंका एक विकेट जाता है और उसी समय आते हैं पिच पे एंजेलो मैथ्यूज। पिच पे आते हैं या फिर चले जाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं ये टाइम आउट नियम है क्या। टाइम आउट नियम ये कहता है कि कोई बैट्समैन अगर आउट होता है या फिर रिटायर होता है तो उसके 2 मिनट के अंदर अंदर नेक्स्ट बैट्समैन पहली बॉल खेलने के लिए रेडी हो जाए। तो एंजेलो मैथ्यूज 1 मिनट 50 सेकेंड के अंदर मुझे लगता है आ गए थे, 1 मिनट 56 सेकेंड के लगभग में वो बॉल खेलने के लिए रेडी थे। लेकिन एक्चुअली जब वो अपना हेलमेट का स्ट्रैप जो है लॉक करना चाहते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हेलमेट का स्ट्रैप जो टूटा हुआ है या फिर टूटा हुआ था या फिर टूट गया था उसी समय, तो उन्होंने डगआउट में इशारा किया कि मुझे हेलमेट चाहिए और वो भी थोड़ा सा डगआउट की तरफ बढ़ गए हैं। मुझे लगता है मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें अंपायर्स के साथ ये ऐसा रिक्वेस्ट करना चाहिए था या डिस्कस करना चाहिए था कि मुझे हेलमेट चाहिए, मैं बॉल खेलने के लिए रेडी हूँ लेकिन मुझे हेलमेट जो है मेरा स्ट्रैप टूटा हुआ है, मैं एक नया हेलमेट मंगवा रहा हूँ। ये अगर वो कर देते तो ये टाइम आउट के हिसाब से मुझे नहीं लगता अंपायर आउट होने वाले थे, लेकिन वो डगआउट में इशारा करके खुद भी डगआउट की तरफ बढ़ जाते हैं और उसी समय शकीब जो है अंपायर से अपील करते हैं और उसमें अंपायर भी जो है मतलब कंफर्म करते हैं कि क्या सच में आप आउट करने के लिए अपील कर रहे हैं। एक नहीं दो बार उन्होंने अपील किया शकीब से, सॉरी एक बार मतलब पूछा कंफर्मेशन के लिए और शकीब ने बोला हाँ मैं आउट करना चाहता हूँ। शकीब अल हसन को तो आप जानते ही हैं और अंपायर भी लाइक क्या अब शकीब से कौन पंगा ले सकता है। सच में आप उनके जो लीग मैचेज हैं बांग्लादेश के प्रीमियर लीग के वो देखोगे तो अंपायर के साथ उनकी काफ़ी मतलब तुतु मैं हो चुकी है, मतलब ऐसे नहीं लेकिन हो चुकी है। तो इस हिसाब से अंपायर ने भी सोचा चलो ठीक है आउट ही देते हैं, बट जोक्स अपार्ट नियम के अनुसार आउट थे वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आउट देना चाहिए था यार, क्योंकि वो बॉल खेलने के लिए रेडी थे और आपको भी पता है कि हेलमेट कितना ज़रूरी है। हाँ वो हेलमेट चेक करके आ सकते थे लेकिन हो जाता है इससे, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना मैनकाइंड के बारे में, रन आउट जो नाना स्ट्राइकर पे होता है उसमें बात करते हैं कि लॉ के अनुसार है तो फिर कैसे वो इथिकल वे में आउट नहीं देना चाहिए, आउट देना चाहिए। वो वहाँ पे अनफेयर तरीके से रन लेने के लिए 2 कदम आगे रहते हैं और 1 इंच 2 इंच से बैट्समैन जो है आउट हो जाता है, नॉट आउट हो जाता रहता है, तो वहाँ पे समझ में आता है और मैं बिल्कुल उस चीज़ के फेवर में हूँ। मैन काउंट को मैं स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट में नहीं लेता हूँ, लेकिन ये है इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा था और कोई अगर इंटेंशनली ऐसा कर रहा है लेट कर रहा है तब फिर ठीक है, तब आप उनको आउट दो, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो इसके बारे में बात होती रहेगी, ये बहुत ज़्यादा डिबेट का चर्चा है। तो आउट दे दिए जाते हैं, वो अंपायर से रिक्वेस्ट करते रहते हैं लेकिन अंपायर नहीं मानते हैं और शकीब भी नहीं मानते हैं।
लेकिन फिर इसके बाद श्रीलंका किसी तरह से 279 जो कि दिल्ली के पिच में मुझे लगता है कि पार स्कोर था, यहाँ से अच्छी बॉलिंग से जीत भी सकते थे श्रीलंका, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश इसे अच्छी से चेज कर जाते हैं 41 ओवर में समथिंग में वो लोग चेज कर लेते हैं। तो इस हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी की रेस में अभी के लिए बांग्लादेश आ गया, अभी भी श्रीलंका बाहर नहीं हुई है। तो कल का मैच यहाँ पे समाप्त होता है, आज का मैच है ऑस्ट्रेलिया वर्सेज अफगानिस्तान जो कि इम्पॉर्टेंट मैच है। अफगानिस्तान के नज़रिए से देखें तो वो ये ऑफकोर्स ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया बहुत ही मजबूत टीम है अफगानिस्तान से, और जिस तरह से अभी ऑस्ट्रेलिया खेल रही है अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है कि जैसे इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड हो रहा है ना वैसा टाइप का मैच है जिस फॉर्म में अभी ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन क्योंकि बड़ी बड़ी टीमों को हरा करके आ रही है अफगानिस्तान, इंग्लैंड को हराया है कोर्स अच्छे फॉर्म में नहीं थे, पाकिस्तान को हराया कोर्स बड़ी टीम कहा जाता है उनको, तो अच्छी अच्छी टीमों को हरा करके आ रहे हैं, तो इसलिए उनको बिल्कुल भी बाहर नहीं किया जा सकता। अगर वो जीतते हैं तो उनके पाकिस्तान के मुझे लगता है सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा चांसेस घट जाएंगे अफगानिस्तान अगर यहाँ पर जीत जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट मैच है, ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम है और मैच मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ही आज जीत रही है, लेकिन अगर अफगानिस्तान जीती है तो बहुत ज़्यादा ये नहीं करना होगा कि अपसेट था, बिल्कुल अपसेट कहा जाएगा, लेकिन क्योंकि बड़ी बड़ी टीमों को हरा करके आ रही है अफगानिस्तान इस टूर्नामेंट में तो कुछ भी नहीं कर सकता इस मैच के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल में जा सकते हैं, बिल्कुल जैसे बोला जा रहा हो कुदरत का निज़ाम या फिर ये बोला जा रहा हो कि ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, जितना उन लोगों ने सोचा था बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट पे ये टूर्नामेंट अभी तक गया। जो वो आई थिंक अफगानिस्तान के साथ मैच हारे हैं, उसके बाद वो लोग साउथ अफ्रीका से जो मैच हारे हैं, उसके बाद जो उनका सेमीफाइनल का सिनेरियो बैठ रहा था उसके हिसाब से जो भी कैलकुलेशन था वो सारे कैलकुलेशन बैठ गए हैं बिल्कुल। जो चाहते थे न्यूजीलैंड हार जाए साउथ अफ्रीका से बड़े मार्जिन से हारे वो हो जाए, पाकिस्तान अपना अगला मैच जीत गई है, अब उनको करना यह है कि इंग्लैंड वाले मैच में वो जीत जाए और प्रे करे कि श्रीलंका जो है न्यूजीलैंड को हरा दे। कल के मैच को देख करके लगता नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है श्रीलंका बांग्लादेश सॉरी श्रीलंका अगर न्यूजीलैंड को हरा देते तो फिर तो पाकिस्तान इन है, और अगर जीत भी जाती है न्यूजीलैंड तो उनको इंग्लैंड से फिर मुश्किल है फिर उनको इंग्लैंड को 30 ओवर में चेज कर देना होगा अगर कोई भी स्कोर बनाती इंग्लैंड, या फिर इंग्लैंड को 150 रन से हरा दे, गॉड नोज सच में देखा जाएगा। तो सो देखते रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही वीडियोज लाता रहूँगा। सो देखते रहिए योर अल्टीमेट गाइड, थैंक यू।